हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ समीक्षा और स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल में। और मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए लौकी की बर्फी की रेसिपी। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो के नीचे बने लाल रंग के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, बना लेते हैं लौकी की बर्फी। लौकी की बर्फी बनाने के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की लौकी ली है, जिसको धुल के, छील के और घिस के मैं बॉयल होने के लिए रख दूंगी। लौकी को मैं तब तक ऐसे ही सिर्फ सादा पकाऊंगी ढक के, जब तक लौकी का पानी लौकी से अलग ना हो जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी रहेगा तो उसमें अगर मैं दूध डालूंगी तो वो और गीला गीला हो जाएगा। इसलिए इसमें कुछ भी डालने से पहले मैं सिंपल लौकी को ही थोड़ा सा पकाऊंगी और उसका पानी अलग करके निकाल लूंगी। देखिए ऐसे, थोड़ा देर और जब ये लौकी पक जाएगा तो इसका पानी मैं निकाल के और सूखा ही भूनूंगी। थोड़े देर भूनने के बाद मैं उसमें दूध ऐड करूंगी। देखिए अब ये हमारी लौकी हो चुकी है, और देखिए आप इसका पानी मैं कैसे अलग करती हूँ और कैसे निकालती हूँ। देखिए कलछी की सहायता से मैं इसको ऐसे साइड साइड कर लूँगी। उसका पानी अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए साइड से निकल रहा है, और मैं इसे कपड़े की सहायता से पकड़ के पानी को अलग करके निकाल दूँगी। और पानी निकालने के कुछ देर बाद भी मैं इसको सूखा भून लूँगी, जिससे इसका सारा पानी ख़त्म हो जाए, ताकि जब इसमें दूध और पड़े और चीनी पड़े तो ये ज़्यादा गीला ना हो। मैंने इस रेसिपी को बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत कम सामान में बनाया है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। देखिए यहाँ पे मैंने पानी निकाल करके लौकी को सूखा होने के लिए रख दिया है। जब ये लौकी सूख गई है अच्छे से, मैंने चला चला के इसको और सूखा किया है, उसके बाद जब सूख गई तो ये मलाई वाला 1 गिलास दूध मैं इसमें डालूंगी। मात्रा आप ज़रूरत अपनी जैसी ज़रूरत होगी वैसा कम ज़्यादा कर सकेंगे, मैंने जितना बनाया है उतना दिखाया है। अब दूध डालने के बाद भी धीरे धीरे मैं इसको पका लूँगी। देखिए चलाते, ढकना नहीं है, दूध डालने के बाद इसको ढकना नहीं है, ऐसे खुला ही धीरे धीरे चला चला के, चला चला के इसको तब तक पकाना है जब तक ये सूखा ना हो। देखिए कैसे ये पक रहा है, बीच बीच में चलाना है, नहीं तो एक ही जगह पे जल जाएगा कहीं और कहीं ऐसे ही रह जाएगा। तो इसको चला चला के सूखा करना है। जब सारा दूध सूख जाएगा इसमें और लौकी अच्छे से पक जाएगी, तब इसमें हम डालेंगे चीनी। देखिए इस तरीके से धीरे धीरे, ये इतना जल्दी नहीं सूख गया है, इसको बनाने में लगभग 40 मिनट तो लगे ही होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए किस तरह इसको सुखाना है। देखिए धीरे धीरे ये आधा से अधिक सूख चुका है, इसको सुखाने में थोड़ा टाइम लगता है। जब ये थोड़ा सा सूख गया है तो मैं इसमें थोड़ा सा इसका कलर चेंज करने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा वाइट दिख रहा था इसलिए मैंने इसमें ये वाला फूड कलर डाला है। मेरे पास ग्रीन नहीं था तो मैंने ऑरेंज ही कलर यूज किया है। अगर आपके पास ग्रीन कलर है तो यूज कीजिए, और नहीं है तो सिर्फ प्लेन ऐसे ही बनाइए। कलर डालना यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आपको ज़रूरत हो तो कलर डालिए, नहीं तो नहीं। मैंने इसमें इसलिए कलर डाला है कि थोड़ा सा मिठाई वाला जो कलर होता है वो लगे कि हाँ ये मिठाई है, इस वजह से। और देखिए कलर डालने के बाद मैं इसे थोड़ा देर और चलाऊंगी, जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए, और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी
चीनी, चीनी मैं ज़्यादा नहीं, ये छोटी सी गिलास से भर के गिलास मैंने इसमें चीनी डाला है। और चीनी डालने के बाद थोड़ा सा पकाएंगे तो ये हो जाएगा और गीला, और जब ये गीला हो जाएगा तो फिर गैस की आंच को हम फूल करके, फूल आंच पे हम इसको सुखाएंगे। और इसमें मैंने अभी डाला है इलायची और लौंग पाउडर, आप सिर्फ इलायची डाल सकते हैं। और इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी नारियल का बुरादा, ये नारियल का बुरादा नहीं है, मैंने नारियल को घिस के डाला है, आप बुरादा डाल सकते हैं। और फिर इसे सुखाना है अच्छी तरीके से, चला चला के चलाते रहना है और सुखाना है अच्छे से, ताकि ये जब प्लेट में जाए तो थोड़ा ठंडा होने के बाद अच्छे से जम जाए इस वजह से। तो अभी हम इसको चला चला के सुखाएंगे, सूखने लगेगा जब ये तो खुद एक दूसरे में लिपटने लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब ये सूखने लगा है। देखिए कैसे, थोड़ा सा वक्त और लगेगा इसको सुखाने के लिए, और जब ये सूख जाए देखिए कैसे हो गया सूख सूख के। इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी घी जिससे कि ये चिपके ना, और थोड़ा सा घी जैसा फ्लेवर आ जाए, इसलिए मैंने इसमें लास्ट में घी यूज किया है। अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो इसको मत डालिए। देखिए अब ये बहुत ही हद तक पक चुका है, अब मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में। देखिए कैसे ये एक दूसरे में पूरा लिपट गया है। तो यही है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये पक गया है। और अब मैंने प्लेट में वही नारियल को ही छिड़का हुआ है, और इसी प्लेट में मैं इसको फैला दूँगी। देखिए कैसे फैलाना है, मैंने इसे चम्मच की सहायता से धीरे 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 करके फैलाया है, देखिए कुछ इस तरीके से। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा लगा दूंगी नारियल ऐसे, और रख दूंगी ठंडा होने के लिए। और लगभग 2 घंटे ठंडा होने के बाद जब ये अच्छी तरह से सूखने लगा है तब मैं इसे काट रही हूँ। आराम आराम से काटिए, देखिए इस तरीके से। और आप इसमें ड्राई फ्रूट कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने बहुत ही कम सामान में बनाना, अगर आप कोई मिठाई अगर आप बहुत कम सामान यूज करके बनाना चाहते हैं तो आप इसे बना सकते हैं, मैंने इसलिए इसे दिखाया है। फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इसमें सिर्फ लौकी दूध और चीनी यूज करके भी आप इसे बना सकते हैं, और नहीं तो अगर ऐसे बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, जितना कम यूज करना है। तो मैंने बताया अगर आप इससे भी कम में बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी लौकी की बर्फी की। अगर आप लोगों को मेरी ये लौकी की बर्फी वाली रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए इसे कैसे निकालना है काट के, ये मैं दिखा देती हूँ आपको। और हाँ फ्रेंड्स अगर आपके पास कम वक्त हो, आप चाहते हैं कि ये फटाफट हो जाए, तो आप इसे फ्रिज में रखिए, फ्रिज में रखने से ये जल्दी ही ठंडा हो जाएगा और अच्छे से कट जाएगा। तो अगर आपके पास इससे भी कम समय है तो आप इसे बनाने के बाद सेट होने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, और सेट होने के लिए फ्रिज में रखने के बाद जब आपको लगे कि नहीं ये सेट हो गया है तो आप इसे निकाल के काट सकते हैं, अगर आपके पास बहुत ही कम समय है तो। देखिए किस तरीके कितनी आसानी से निकल जाएगा, और बिल्कुल ही सॉफ्ट और टेस्ट बहुत ही अच्छा बना था।
उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है और कितना आसान भी है इसे बनाना, ज़्यादा झंझट नहीं इसे बनाने में, बहुत आसान रेसिपी है और बहुत कम टाइम बहुत कम सामान के साथ आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।